में हमारे कान जो संचालिका है, पूरा उत्तर प्रदेश में, मैं कहूँ उत्तर भारत में जो सीनियर दीदी जी है, आदरणीय विद्या दीदी जी, जो बाल्यकाल से ही अपने जीवन को समर्पित किया और देखा जाए उनका जीवन का बहुत ही दिव्य और अद्भुत अनुभूति दादियों के साथ जुड़े हैं और दादियों के बड़े मैं कहना चाहूँगा इतना उनका भाग्य रहा उनके सानिध्य में, उनके अंग संग में रहने का, दादियों से दृष्टि लेने का, वरदान लेने का, बहुत सुंदर उनका भगवान ने चांस दिया और वो सभी वरदानों से भरपूर होकर आज पूरे उत्तर प्रदेश में आदरणीय दीदी जी का मार्गदर्शन में हजारों सेवा केंद्र चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ 50 साल से भी ऊपर हुआ दीदी जी को, एक साल भी ऐसा नहीं गुजरा होगा जहाँ गुलजार दादी जी से न मिली हो या उनसे दृष्टि न ली हो, वरदान नहीं ली हो। ये बहुत बड़े पद्मा पदम भाग्यशाली रही है और इनका जीवन का बहुत अद्भुत अनुभूतियाँ जुड़ी हैं। तो मैं आदरणीय विद्या दीदी जी से निवेदन करता हूँ अपनी अद्भुत अनुभूतियों को हमारे बीच में साझा करें को हम समझ के अपने जीवन को एक श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले चले और अपना जीवन को एक ऐसा महान जीवन बनाए जो आदरणीय दादी जी का जीवन रही और वो प्रेरणाएं हम लेकर के यहाँ से प्रस्थान करें। अभी हम लोग सभी से निवेदन करता हूँ थोड़ा शांत होकर के, मन को एकाग्र करके, मन को मौन की स्थिति में रखकर हम लोग आदरणीय दीदी जी का सुनेंगे, क्योंकि आदरणीय दीदी जी का स्वास्थ्य का थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन हम उनकी मनोबल को मैं सलाम करता हूँ और पूरे कल्याणपुर भाई बहनों की तरफ से भी सलाम। दीदी से प्यार है, दादी जी की सेवाओं में इन लोगों ने अपनी हड्डियां गला दी, तो उस मनोबल के आधार से हमारे बीच में पहुंची हुई है। ये बड़ा दिल की खुशी की बात भी है कि आज हम दीदी जी को हमारे बीच में पाकर और उनकी अनुभूतियों को सुनने का एक बहुत सुंदर गोल्डन चांस हमको मिल रहा है। आदरणीय विद्या दीदी जी, ओम शांति। आप सभी को सुनते सुनते राधा दीदी ने भी सुनाया, भाव विभोर तो हो गए हैं और दादी जी का पूरा दिलों में सम्मान छप गया होगा उनकी जीवन कहानी को सुन करके। तो दादी जी का जो मेरे से, मैं थोड़ा सा संग का अनुभव सुनाऊंगी। सबसे पहले 1960 में कमला नगर में गुलजार दादी से मिलना हुआ, तो दादी को देख करके बहुत जैसे आकर्षण होती थी, खिंचाव होता था कि मैं दादी के गले लग जाऊं, गोद में चली जाऊं। लेकिन दादी जी की जो लौकिक मदर ऑलराउंडर दादी थी, उन्होंने बीच में मेरे से एक प्रश्न कर दिया और मेरी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, देख तेरी उम्र तो बहुत छोटी है, तू 16-17 साल की है। तो ऐसा है कि जीवन में बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत सारे पेपर देने पड़ेंगे और वह भी दिन आएंगे जब एक मटका पानी और इतनी लाल मिर्ची खा के जीवन बिताना पड़ेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तब तुम क्या करेंगी। मैंने कहा, दादी जी जो आप करेंगी वही हम करेंगे। तो गुलजार दादी जी बोले, ऑलराउंडर आप इसको फेल नहीं कर सकती है, ये बहुत पक्की मजबूत आत्मा है और अंत तक निभाने वाली है। क्योंकि जो मेरे शब्द थे कि दादी जो आप करेंगी वही मैं करूंगी, तो जैसा पहला वरदान
गुलजार दादी के मुख से उसके बाद तो मैं मधुबन चली गई। जब जब गुलजार दादी आते थे तो मिलना होता था, और धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती गई और एक दिन वो आया, जब हमारे कारोबार की सेवा की मीटिंग होती थी, प्लानिंग मीटिंग, उसमें सिर्फ दादियां बैठती थी, कोई बहने और नहीं बैठती थी, दादियों से घर संपन्न था, तो वही प्लानिंग करती थी। लेकिन मेरे को छुट्टी मिल गई थी, मैं बहुत पदम भाग्यशाली, क्योंकि गंगे दादी जी कहते थे कि कारोबार तो ये कर रही है, इसका सुनना बहुत जरूरी है। तो बड़ी दीदी ने कहा, और लोग छोटी बहनें कहेंगी मुझे भी रखो, गुलजार दादी ने समर्थन किया कि हर एक की बराबरी नहीं हो सकती है। तो जैसे उनके कहने से एक मजबूती आ गई कि जो मैं हर वर्ष मीटिंग में बैठने का मिला। जब बना तो पहले तो ज्ञान सरोवर एक जंगल था और शेर चीते सब रहते थे, लेकिन जब वो हुआ, लंबी कहानी, और हम सभी ज्ञान सरोवर में रहते थे, दादियां रहती थी, और आंगन में सभी दादियां भोजन के बाद बैठती थी, तो जो आपस में रू रिहान होती थी, लेकिन मेरी नजर फिर भी गुलजार दादी पे रहती थी, क्यों, नेचुरल आकर्षण था। तो ऐसे चलते चलते हम उनके साथ मिलते रहे, संग में भोजन भी करते रहे, और अभी तो लास्ट 2 साल पहले दादी कॉटेज में मैं और दादी गुलजार साथ साथ बैठ के भोजन किया। तो अंत तक जैसे हमारा बहुत बहुत वो था, और दादी भी आगे बढ़ाती थी, और दादी का तो बहुत कुछ हमारी राधा दीदी ने सुनाया। लेकिन एक बात और इसमें ऐड है, जब आबू से दादी चली तो जर्नल डिब्बे होते थे, जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है कि कोई बहुत एक्सप्रेस गाड़ी भी नहीं होती थी, साधारण ट्रेन चलती थी, और जो फर्स्ट का डिब्बा होता था उसमें एक डंडा खींचा होता था, बस फर्स्ट क्लास नहीं लिखा होता था, डंडा खींचा होता था लंबा लंबा, और जो सेकंड क्लास होता था उसमें 2 लकीर डंडे की खींची होती थी, नहीं फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, समझो ये थर्ड क्लास है, उसमें रिजर्वेशन नहीं हुआ करती थी। थर्ड क्लास वाले में कुली को चवन्नी दे दो, अंगोछा बिछा दे, वही रिजर्वेशन है, वो आगे घुस करके बिछा देता था, जो भी जाके बैठ जाते थे। तो हम लोग कहते थे कि हमारी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे कई अवस्था होती है, पहले इंतजार होता है, फिर जब ट्रेन आती तो बेकरारी होती है, और जब हम चढ़ जाते हैं तो जमींदारी होती है, फिर फौजदारी होती है कि ये मेरी जगह है, तुम नहीं बैठ सकते हो। तो ऐसी हालात में गुलजार दादी आबू रोड से जनरल डिब्बे में बैठे, और सब वो बीड़ी सिगरेट पीने वाले, अब शुद्ध पवित्र दादियां वो से बर्दाश्त करेंगी। सीधा उतर के जा करके स्टेशन मास्टर को कहा, अजमेर में आप, उस तो गाड़ी चल पड़ी, कहा मैं नहीं बैठ सकती। उन्होंने कहा देवी जी मैं क्या कर सकता हूँ, काफी बात की सार है, आखिर उन्होंने सफर कर लो, ये दादियों की तपस्या का एक प्रभाव था। आज तो टीटी कहेंगे रिजर्वेशन नहीं तो उतर जाओ, बिना रिजर्वेशन चढ़ना ही नहीं है। तो ये गुलजार दादी की तपस्या का बल था, और जैसा कि बताया कि धर्मशाला से दारुल सफा मिल गई, इसी प्रकार दादी का कानपुर में भी बहुत बार आना हुआ,
तब जब हम लोग भट्टी का प्रोग्राम लेते थे, गुलजार दादी आकर के साधारण भाई बहनों की भट्टियां 3 दिन कराती थी, कभी चंद्रमणि दादी तो कभी जो है पर दादी निर्मल शांता दादी आती थी, कभी गुलजार दादी आती थी, मनोहर दादी आके भट्टियां बारी बारी कराती थी। तो कानपुर में गुलजार दादी का बहुत बार आना हुआ और बहुत उनके साथ रहना, जैसे राधा दीदी ने सुलाया एन जी साउंड में संग रहे तो हम तो उनको बना के खिलाते थे, अपने हाथों से बनाना परोसना खिलाना। पर दादियों की एक वो थी प्यार कहिए कि जो पहला गिट्टी रिकॉर्ड तोड़ती थी जी सब मिला के रोटी से उठाती थी, कहती थी आओ पहले तुम खाओ पीछे मैं खाऊंगी, तो मुंह खोलते थे वो जो मुंह में दे देती थी कवर हम। तो महान भाग्यशाली कहेंगे दादी की महिमा, तो कहते हैं कि जितना सागर में मोती है वो भी कम है और जितना अंबर में तारे हैं वो भी कम है। और जब साकार बाबा अव्यक्त हुए तो उस समय बड़ी हलचल थी, क्या होगा कैसे होगा यज्ञ कैसे चलेगा। तो जैसे अपना नियम है कि अंतिम अग्नि संस्कार के बाद उस आत्मा के प्रति बाबा को भोग लगाते, गुलजार दादी भोग लगाने बैठे और ट्रांस में जाके भोग लगाते थे, फिर उसके बाद उनको कुछ नहीं पता। सारे प्रश्नों का उत्तर आपको पहली मुरली 1969 की पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। एक एक अव्यक्त बाबा ने गुलजार दादी के तन में प्रवेश होके सुनाया और गुलजार दादी का चेहरा चेहरा ही नहीं लगता था, लगता था कोई बहुत दिव्य विभूति, कोई बड़ी देवी है इस तरह से। और सभी ने सुना, उसके बाद गुलजार दादी वापस आए, कहा मुझे तो कुछ पता नहीं है क्या सुनाया है, मैं तो जानती नहीं, मैं तो सो गई थी। तो बाबा ने उनको वतन में सुला दिया और माइक का तन का आधार लेकर के सारा कुछ सुनाया। ये तो हर बार और आप सभी अव्यक्त बाबा से मिले तो दूर से मिल लिए दृष्टि ले ली, लेकिन हम लोग जब अव्यक्त बाबा से मिलते थे तो 14 घंटे सामने रहते थे। बाबा 7 बजे आते थे और बाबा सवेरे की क्लास करा के 8 बजे जाते थे, तो जागरण होता था। तो बाबा भी बिठा के दृष्टि देना, टोली देना और हाल चाल पूछना, कुछ नहीं तो एक शब्दों में बच्ची संतुष्ट हो उसे पता हाँ या ना, नहीं तो क्यों बाबा उसको और अच्छी तरह मोटिवेट करते थे। इतनी पालना तो अव्यक्त बाबा ने इस रथ के द्वारा 14-14 घंटे की है। और जिस पोज में पलथी मार के बैठती थी उसी पोज में 14 घंटे बैठी रहती थी। हमारी तो मनोहर दादी हंसी की बात कहती, अगर मेरे तन में बाबा आए तो मैं कहूंगी वॉशरूम वतन में बना, लेकिन गुलजार कैसी है जो इसको 14 घंटे ख्याल नहीं होता। तो जैसे बाबा सुला देता था, बाबा ने क्या मुरली चलाई क्या व्यक्तिगत डायरेक्शन दिया, गुलजार दादी मुरली पढ़ते थे, हम लोग 1 घंटा अगर पलथी मार के बैठ जाएं तो पैर को पटकेंगे कि सो गया मेरा पैर, सीधे खड़े नहीं होंगे लंगड़ा जाएंगे। और जो 14 घंटे बैठता था, कमाल उस रथ की है, भाग्यशाली रथ भगीरथ की नंदगढ़ की कहें, 14 घंटे के बाद में भेजा और दादी ऐसे उठ के खड़ी गई, हम लोग तो शायद पैर ही ठोकते रहेंगे जहां बैठे सोफा वहीं से, और दादी ऐसे खड़े होके और चल पड़ती थी। तो ये इतना इस तन के द्वारा बाबा ने पार्ट बचाया। परंतु ये दादियां दादियां बनी कैसे, कभी इन्होंने बाबा ने कहा प्रकृति दासी होगी, माया छिम छिम करके आएगी, लेकिन दासी
तुम नहीं बनना, माया ही दासी रहने देना। दादी सहाय फौरन तक जाती थी, सब दादियों की विशेषता रही, अपनी अटैची में सुई धागा बटन हुक लेके जाती थी कि कहां बटन टूट जाए तो अपने हाथ से लगाती थी। अभी भी आप मेरे पास आएंगे तो गंगे दादी का किट बैग मिलेगा, इतने पत्ते में सारी सुइयां, छोटी बड़ी, छोटे बड़े बटन और ये क्या कहते हुक्स और स्वेटर की मोटी बटन, अभी तक वो डब्बा रखा हुआ है। और कमाल है, इन दिनों की सुइयों में अभी तक जंग नहीं लगी है। तो कहने का भाव है कि गुलजार दादी फौरन जा रहे और सुई धागा अटैची में रखवा रहे। तो एका नामी की भी होता है, एक एक कना हीरे समान है। दादियों ने करके दिखाया कि हीरे समान है, देने वाले भंडारी में डालते हैं उनका भाग्य बनता है। और अगर हम कहीं ज्यादा तो तन भी व्यर्थ न जाए, मन भी न जाए, धन भी न जाए। ये दादियों ने करके सिखाया। आज ताजमहल तो सब देखने जाते हैं, लेकिन ताजमहल की नींव ये दादियों की तपस्या से आज हमारे 137 देशों की भव्यता है। आज ब्रह्मा कुमारियों को आज ये सम्मान मिल रहा है। उन दिनों में सम्मान देने वाले कोई एक होते थे और गाली देने वाले 100-99 होते थे। मैं अपना अनुभव साधु एक मिनट में, कि जब मैं पैदल चलती थी, रिक्शे के पैसे नहीं होते थे, पीछे से लोग कहते थे ब्रह्मा कुमारी नई बीमारी, ब्रह्मा कुमारी नई बीमारी। और एक तो किसी ऐसे लड़के ने पान की पीक भी मेरी साड़ी पे डाल दी पीछे से। उस समय कोई सम्मान, सफेद कपड़े वाले को देख के दरवाजा बंद कर लेते थे। ऐसे कठिन समय में ये दादियों की तपस्या काम में आई और दादी की प्रतिभा इतनी बढ़ती गई लगते थे। और दिल्ली में खास कि जिसका सेंटर फलीभूत नहीं होता है वो गुलजार दादी को बुला ले। और ये प्रैक्टिकल हमने देखा कि गुलजार दादी को 2011 में हमारे सिंधी सम्मेलन में आना हुआ। और कैसे हुआ, बहुत सुंदर हुआ। दादी के रहने का मेरे पास कोई उनके स्तर का स्थान नहीं था। एक सिंधी भाई संपर्क में उसके पास गए तो उसने कहा कि ऐसा है, मेरे ऑफिस के ऊपर उसको युद्धस्तर पे लग के ठीक करा दूंगा। समझ में आ गया। और जैसे कहते गए कि दादी के साथ 10 लोगे तो 10 का टेबल बनाया, डाइनिंग टेबल, बहुत शाही कुर्सियां बनाई, चारों बाथरूम में गीजर लगा दिया, हर कमरे में एसी लगा दिया, बहुत सजा दिया, किचन नहीं किचन बनाया। हमने कहा दादी को तो बाबा कमरा चाहिए, बहुत सुंदर बाबा का कमरा कांच के फ्रेम वाला बना दिया, बना ऐसा बना दिया। जिसने वो सर्वोदय नगर का देखा होगा, ये गुलजार दादी के चरण अभी पड़े नहीं है, इतना सुंदर भवन तैयार हो गया। सुई धागा से सब डेकोरेट कर दिया, कुछ भी सोचना नहीं, किचन के लिए भी नहीं सोचना। और सब चीज रॉयल, फ्रिज भी रॉयल, हर चीज रॉयल। टेरिस पे गार्डन बना दिया कि दादी यहाँ वॉकिंग कर लेगी, उतने में घास भी लगा के बढ़िया करा दिया। वहीं से वाइब्रेशन डाल रहे हैं कि कौन मेरे पास आ रहा, भी देखा नहीं है गुलजार दादी को। जब दादी आए सिंधी सम्मेलन तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत रिस्पॉन्स मिला। और दादी के नाम पर एक नया पैसा सेंटर का नहीं लगा। 1,500 सिंधियों का प्रोग्राम और उन्होंने कहा था बहुत अच्छा भोजन बनाना, पर उन्हीं लोगों ने सब खर्च किया, बनाया अपने लोगों ने, सर्व किया और जैसा जो मीनू बताया वो बनाया गया, पर एक पाई नहीं। पूरा खर्चा सिंधियों का, आने जाने का खर्चा सिंधियों का, रहने का तो मिल ही गया, हर चीज उनकी एक से एक गाड़ियां दादी के लिए खड़ी, एयरपोर्ट तक भी लेने के लिए। अभी देख ये दादी की जो कहते ना सर्च लाइट, वो उनके ऊपर जैसे पड़ रही थी, खुशी के मारे, इतने उमंग के मारे कर रहे थे, बहुत खुश खुश होकर के।
फिर जब पता चला कि दादी के तन में बाबा आता, कहते तो भगवान आया है। आज तक भी भगवान कहते हैं, दादी गुलजार नहीं कहते। इतनी भावना। और जब वो जाने लगी विदाई में तो बहुत सम्मान के साथ विदाई दिया। फिर बोले दादी इस भवन को करेंगे क्या, हमारा तो मॉडल टाउन में बना हुआ है, हम इसको क्या करेंगे। बच्चों ने कहा पापा अब क्या होगा। चाबी दादी गुलजार को दे दिया तो दादी के हाथ एक मकान भी मिला। खर्चा भी नहीं हुआ, मकान भी मिला उनका पैर पड़ते। और उसके अलावा सिविल लाइन से वो 6-7 किलोमीटर दूर है, रोज क्लास कराओ तो कौन जाए, कोई नहीं था। फिर जाकर के दादी को शिकायत वहां, फिर हमने शुरू किया तो बोले आपको भाई हमारे पास इतना साधन नहीं है। बोले साधन तो मैं देता हूं। एनोवा मिलती थी तो रंजे खड़ी कर दी और जाके मधुबन दादी से चाबी दे के गुलजार दादी से उद्घाटन कराया। तो शायद दादी के द्वारा उद्घाटन हुआ इसलिए मेरा जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, पर आपके सामने हूं। बचने लायक नहीं थी। जो इकट्ठा हो गए वो कहे इसमें से कोई बचा, वो कैसे कहे कि सब मर गए। लेकिन हम 4 लोग थे, 4 है कि गाल्टी एनोबा 4 बार पलटे, डिवाइड पार करे और इसमें कोई बच जाए। तो ध्यान आया कि दादी ने इसका उद्घाटन किया था, बरदानी हस्तों से किया था। और दादी को हम अंतर्यामी कहे तो भी थोड़ा है। जब से दादी बॉम्बे गए थोड़ा अस्वस्थ हुए, बॉम्बे के डॉक्टर्स थे, वहां का वायुमंडल दादी को सूट कर गया। तो 2 बार मैं दादी के पास गई। नीलू बहन ने कहा कि ये दूर से मिल लो, दादी को इन्फेक्शन होता। दादी कहती है सो क्या, बुलाओ इसको, इसको मत रोको। अशोक भाई भी कहा इसको भी मत रोको, इसको भी मेरे सामने लाओ, ये भाई को ले आओ। सैनिटाइज करा के दादी हाथ पकड़ के जब नजदीक जाना मना है, बहुत प्यार से दृष्टि दिया, बहुत प्यार से दिया। और यहां तक कहा कि इसको देर से नहीं चली जाए। अशोक भाई को भी कहा, मेरा पुराना भाई है, अशोक भाई का भी हाथ पकड़ के हाथ में दृष्टि देते रहे। दोबारा जब हम लोग गए तो कैसे अंतर्यामी है हम आपको बताएं। नीलू ने बोला कि दादी मैं जानकी दादी को फोन लगा लो, बात कर लो। बहुत प्यार से बोला नहीं, उसको नहीं तंग करो, वो सो रही है। कहा आप बंबई में बैठे हो, वो आबू में है, कैसे पता शांतिवन में सो गई है। नहीं नहीं उसको तंग नहीं करो, सो गई है। बहुत प्यार से नीलू ने उस बात को देखना चाहा। हंसावे ने कहा दादी अभी तो सो रही, फिर बात करा दे। दादी को जैसे कि कहते ना सब दिखाई दे रहा है कि कहां पर क्या हो रहा है। वो अव्यक्त रूप में सब जगह चक्कर लगाती थी। फिर दूसरे दिन नीचे समोसा आश्रम को बनवाने के लिए कहना था। नीलू बहन ने कहा दादी मैं 1 मिनट में आती हूँ, समोसा बनाने का प्रोग्राम देना है। दादी ऊपर के फ्लैट में रहती थी, नीचे सेंटर चलता था। दादी ने बन रहा है, कहा आपको कैसे पता समोसा बन रहा है। कहा नहीं बन रहा है, जाने की जरूरत नहीं, इससे आप क्या अनुमान लगाएंगे कि दादी जैसे बैठे बैठे वतन से साकार में होते सब देख रही है, कहां क्या हो रहा है। मैं लास्ट छोटा सा अनुभव सुनाती हूँ। एक बार जब दादी को बॉम्बे जाना था तो दादी ने मुझे बुलाया, कहा विद्या को बुला लो। मैं गई, अपने हाथों से एक बहुत सुंदर ट्रे सजाई थी, उसमें सब कुछ था।
जितने वैरायटी ड्राई फ्रूट होते हैं, चॉकलेट होता है, और उसके अंदर गुप्त रीति से लिफाफा भी मनी रखी थी, ब्लाउज भी था, हर चीज सजा के रखा था, इतना सुंदर डेकोरेट कराया था जो बात मत पूछो। अपने हाथ से मुझे पकड़ाया, कहा ले जाओ, सदा संपन्न रहोगी, ये दादी थी, और वही वरदान लगा। बस दादी के बारे में तो हम कुछ सुना ही नहीं सकते। जिसे भी मैं निवेदन करता हूँ, गिरिजा दीदी जी से भी मैं निवेदन करता हूँ, ममता बहन जी से, जो भी मंच पे उपस्थित जो भाई बहन ने पुष्प अर्पित नहीं किया है, दादी जी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करें। अभी मैं सभी कल्याणपुर की बहनों को निवेदन करता हूँ, सभी सामने आके बैठ, और अभी हम लोग आज विशेष श्रद्धांजलि जी का, दादी जी का भोग स्वीकार कराएंगे। दो गीत बचेगा, एक भोग का, एक दादी जी की यादों का। तो सभी शांति से बैठेंगे और भोजन भी बड़े प्यार से स्वीकार करेंगे, क्योंकि आज एक तपस्या का वातावरण, योग युक्त का वातावरण यहाँ पर बना हुआ है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप सब मौन रहकर भोजन स्वीकार करेंगे, कोई आपस में बात न करे, शांति बना के रखें, से वो कृपया मंच पे आ जाए। जो सरेंडर दीदियां हैं, हम सब लोग बड़े प्यार से भावना से दादी जी का आह्वान करेंगे और उनको भोग स्वीकार करेंगे। सुंदर सभी योग युक्त होके बैठेंगे एकदम। यहाँ पर जो दादी जी का शक्ति थी, और वो शक्ति, शांति, प्रेम, उन सभी गुणों को, किरणों को यहाँ पर वातावरण में फैलाते हुए हम सभी बाबा के पास में पहुंचेंगे। मैं चाहूंगा अगर आपके हाथ में पर्स हो, बैग हो, नीचे रखें, और एकदम करते हुए ये कार्यक्रम भोग का, आज विशेष श्रद्धांजलि का कार्यक्रम का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए मैं चाहूंगा सभी फ्रेश होके बैठे, एकाग्र हो, दो गीत बचेगी, कृपया कोई विचलित ना हो। इससे मैं आपके पास दादी का शक्ति पहुंचती है, उस शक्ति को ग्रहण करने के लिए अपनी मन को निर्मल और पवित्र और एकाग्र होकर के बैठे। बहुत सुंदर वातावरण है, सारी देवियां हमारे आपके सामने बैठे हुए हैं, और हम सब लोग मिल करके धीरे धीरे संकल्पों को शक्तिशाली बनाते हुए आदरणीय गुलजार दादी जी के साथ बाप दादा को आह्वान कराते हुए सब भोग स्वीकार करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हृदय को मोह कर हम सबके, तुम चले गए अंबर के पार। हृदय को मोह कर हम सबके, तुम चले गए अंबर के पार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। शिव को खुद में समा के तुम हम सब को करते रहे भरपूर। शिव को खुद में समा के
तुम हम सबको करते रहे भरपूर, साकार रूप को छोड़ के तुम क्यों चले गए हम सब से दूर, चले गए हम सब से दूर, तुम बिन अब संगम है अधूरा, तुम बिन अब संगम है अधूरा, कहती है हर अश्रुधार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे आपका दिव्य रूहानी प्यार, ओ प्यारी दादे गुलजार, ओ मीठी दादे गुलजार, ओ प्यारी दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। बाबा ने लगाया हमको गले दादे जी आपके द्वारा है, तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ, कहे भीगा दिल ये हमारा है, आने लगाया हमको दादे जी ये हमारा है, कहे भीगा दिल ये हमारा है, अलविदा आपका दादे जी नहीं करता है ये मन स्वीकार, अलविदा आपका दादे जी नहीं करता है ये मन स्वीकार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, ओ प्यारी दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारी दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। तुम दौलत हो हम सब की दादी, तुम ही तो दिलो जान हो, बर्दाश्त नहीं तेरा जाना, हम सब की आप मुस्कान हो, हम सब की आप मुस्कान हो, भावुक नैना झर झर बरसे, भावुक नैना झर झर बरसे, गए आज हम जैसे हार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। पचास वर्षों से हमें, पचास वर्षों से दिला रही प्रभु के पालना,
ओ बाबा के नूरे रतन। टीचर बहनों का भोजन का अलग व्यवस्था है, जो भी सेंटरों से समर्पित बहने हैं और हमारा मेहमान है इनको अलग से व्यवस्था किया गया है। कृपया सभी लोग यहाँ पर सामने टेंट के बगल में जाके भोजन करेंगे। योग की किरण जाती मुंबई की ओर, हमारे योग की किरण जाती मुंबई। इधर वाले माता भी उठे नहीं, कृपया बस 5 मिनट।